हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एशिया ऑन व्हील्स पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। दोस्तों, ऐसी जगह जहां पर पहले किसी की डेथ हुई हो और अब तक भी उनकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती हो, ऐसी जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है। वैसे तो ऐसी बातों पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, पर दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें जुटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह पर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो भानगढ़ के किले पर होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको भानगढ़ के किले की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों भानगढ़ के किले में रात में कोई नहीं जाता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं भानगढ़ के किले के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया का एक ऐसा किला जो दिन में तो टूरिस्ट प्लेस रहता हो, लेकिन सूरज ढलते ही वहां पर आत्माओं का कब्जा हो जाता हो। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर शहर से कुछ किलोमीटर दूर इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस किले के बारे में कि भानगढ़ के किले का क्या अतीत था। दोस्तों, भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बनवाया था। उस टाइम राजा माधो सिंह अकबर की सेना के जनरल थे। दोस्तों, भानगढ़ की पॉपुलेशन उस टाइम तकरीबन 10,000 के लगभग थी। उस टाइम इस किले को बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया था, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। दोस्तों, इस किले में बड़ी शानदार कारीगरी की गई है। इस किले को बनाने में मजबूत पत्थरों का यूज किया गया है, जो अब तक वैसे के वैसे हैं। किले में 5 दरवाजे हैं, जिनमें एक मुख्य दरवाजा है। साथ ही किले में भगवान शिव, हनुमान और भी बहुत से भगवानों के मंदिर भी बने हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे बना भानगढ़ का किला इतना भूतिया। यह किला देखने में जितना शानदार है, उतना ही भयानक इसका अतीत है। इसकी एक फेमस कहानी के अकॉर्डिंग भानगढ़ की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावती, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। इनकी खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। दोस्तों, अब राजकुमारी 18 साल की थी, तो कई राज्यों से उनके लिए शादी के रिश्ते आ रहे थे। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। वहां वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और उन इत्र को हाथ में लेकर उनकी खुशबू ले रही थी। उसी टाइम दुकान से कुछ ही दूरी पर से एक आदमी उन्हें ध्यान से देख रहा था, जिसका नाम सिंधिया था और वो काले जादू में महारथी था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्यार करता था। दोस्तों, वो किसी भी तरह से राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी की इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया ताकि वह उसे अपने वश में कर सके। दोस्तों, सिंधिया ने राजकुमारी के इत्र के ऊपर जादू किया था। ये बात सैनिकों को पता चल गई और उन्होंने राजकुमारी को सारी बात बता दी। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद राजकुमारी ने इत्र की बोतल को कमरे से बाहर फेंक दिया, जो एक बड़े पत्थर से टकराकर टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर लग गया। इसके बाद वो पत्थर फिसलता हुआ उस जादूगर के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों, मरते टाइम उसने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। इसके बाद दोस्तों, लगभग एक साल बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए, यहाँ तक कि रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। दोस्तों, काले जादूगर के श्राप से आज भी उनकी आत्माएं इस किले में भटकती हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी इसे भूतिया किला घोषित कर दिया है। किले के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने तलवारों की टकरार और लोगों के चीखों की आवाज महसूस करी है। दोस्तों, किले के अंदर से औरतों के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाज भी साफ साफ सुनाई देती है। दोस्तों, किले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। वहां पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई आपस में बात कर रहा हो। रात के टाइम किले से इत्र की खुशबू भी आती है, जो इसे और भी डरावना बनाती है। दोस्तों, वैसे पता नहीं इस कहानी में कितनी सच्चाई है, पर गांव के लोगों के अनुसार ये सब सच बातें हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।